जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से जुड़ेंगे, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। और बिल्कुल हम सकारात्मक जानकारी प्रदान करते हैं, हमारा कोई भी उद्देश्य आपको भ्रमित करना नहीं, केवल सकारात्मक। उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे कि बुरा वक्त जो जीवन में आता है, उस समय में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोगों के लिए कई सारे रास्ते होते हैं, बहुत से लोग उस चीज़ को तुरंत उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत से लोगों को अलग अलग राय जो लोग देते हैं उसमें वो उलझ जाते हैं, और बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें। तो इन सभी चीज़ों से आज आपको छुटकारा मिलेगा। इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। पहली बात कि जब भी खराब वक्त आए, देखिए वक्त आर्थिक रूप से जब आदमी खराब हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या यूं कहें कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी दुर्घटना जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमें फंसाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें व्यक्ति के साथ हो सकती हैं और हो रही भी है। पहली बात जिसे आपको रखना है वो है धैर्य, शांति रखना है। क्योंकि होता यूँ है ज़्यादातर वक्त खराब, हम और गुस्से में आ गए, उत्तेजित हो गए, और इस वजह से हमने और कोई गलत निर्णय ले लिया। क्योंकि अगर हम तेज में आएंगे, तेज से आशय हम क्रोध में आएंगे, हम उत्तेजना में आएंगे, तो फैसले गलत होंगे, और फैसले गलत होंगे तो उसके परिणाम भी हमें भुगतना होगा। इसलिए मन को, दिमाग को शांत रखें। आपको बोलना नहीं है उस समय, सिर्फ खुद को शांत रखना है, शांत चित्त रखना है। दूसरी बात होती है हम कुछ अहम में आ जाते हैं। कई बार सिचुएशन को हम बहुत ही सामान्य बात से खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमें पहल करने की आदत नहीं है। तो अगर ऐसी जब भी सिचुएशन आए तो पहल करें, संवाद करें, बात करने की कोशिश हो और उसे बैठ कर सुलह करके शॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि सबसे अच्छा रास्ता यही है किसी भी चीज़ को परेशानी से दूर होने के लिए। कई बार अलग अलग परेशानी होती है, और बहुत सारी परेशानियों की ये बात मैं कह रहा हूँ। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों कि जो लोग राय आपको देते हैं उसे सुने, उसे करना या ना करना आपका व्यक्तिगत मत, लेकिन क्या वो सही, वो भी सही नहीं कह रहा है। कई बार हम उनकी राय में आके और उलझ जाते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज, आपको उस समय बिल्कुल शांत रहना है। कोई क्रिया प्रतिक्रिया करने से अच्छा है कि कुछ समय, कुछ दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आपको बिल्कुल शांत रहना है, थोड़ा वक्त काटना है। क्योंकि वक्त टल जाने से भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात है। इस पर भी आपको ध्यान देना है। और ईश्वर का स्मरण, हमेशा सरल रहे, सहज रहे, और ईश्वर का जप करें, यही वो हथियार है जो आपको बुरे वक्त से बाहर निकाल पाए। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।